बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, उर्दू नॉर्मल कोर्स लाजमी, क्लास 9 के हम आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस साल हमें कसीर इंतकाबी सवाल दिए हुए हैं। पहला है अलकमा से क्या मुराद है, इसको मैं इसका करेक्ट आंसर है नहर, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सेकेंड है नज़रिया पाकिस्तान का मकसद है इस्लामी फलाही ममलिकत बनाना, इसका करेक्ट आंसर ये। थर्ड है पाकिस्तान में बच्चों का रिसाला नौनिहा जारी किया, किसने किया, हकीम मोहम्मद सईद ने, सर करेक्ट आंसर ये है। फोर्थ है लफ्ज़ संदो किची कवायद के लिहाज से है, कवायद के लिहाज से इसका करेक्ट आंसर है इसमें मजवर। एंड फिफ्थ एम सी क्यू से सबक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी जिस किताब से माफूज है इसका नाम है, इसका नाम है, इसका करेक्ट आंसर है शहाबनामा। अब सिक्स हमें एम सी क्यू दिया हुआ, तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है, इसका करेक्ट आंसर है उम्मीद की खुशी। सेवन्थ एम सी क्यू हमें दिया हुआ है, शायर ने बहरे सखावत कहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एट एम सी क्यू हमें दिया हुआ है, लफ्ज़ सब्ज़ो ज़ात कवायद की रू से है, इसका करेक्ट आंसर है इसमें ज़र मका। नाइन्थ एम सी क्यू हमें दिया हुआ है, लफ्ज़ कलम का इसमें मकबूल है, इसका करेक्ट आंसर है मजलूम। टेंथ एम सी क्यू दिया हुआ है, उर्दू के अव्वलीन अफसाने निगारों में शुमार किए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद। 11th एम सी क्यू है, इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने मरासले को मुकालमा बनाया, इसका करेक्ट आंसर है मिर्ज़ा असदुल्ला खान वाले, इसको मैंने हाईलाइट करके देख लिया। 12th एम सी क्यू हमें दिया हुआ है, फ़कीराना आए सदागर चले, दूसरा मसला हमें बताना है, तो दूसरा मसला है मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। 13th एम सी क्यू हमें दिया हुआ है, दुनिया मरे आगे तमाशा मरे आगे और नकार खाने में के मुसन्निफ हैं, इसका करेक्ट आंसर है जमीलुद्दीन आली। 14th एम सी क्यू हमें दिया हुआ है, दिल सर्द होना कवायद के लिहाज से है, इसका करेक्ट आंसर है मुहावरा। 15th एम सी क्यू लास्ट एम सी क्यू हमें ये दिया हुआ है, फातरल अकल के मायने हैं, इसका करेक्ट आंसर है पागल। अब आते हैं हिस्सा बे मुख्तसर सवालात के जवाब की तरफ। तो हमें इसका इसमें से इसका पहला सवाल हमें दिया हुआ, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आवाज़ है वही मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली दी। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ, ब्रिटिश म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। थर्ड दिया हुआ, किन ख्यालात ने दुनिया की तरक्की और तंजली पर असर किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, नज़रिए पाकिस्तान का मफहूम मुख्तसर तहरीर कीजिए, मुख्तसरन तहरीर कीजिए। फिफ्थ है, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देख कर रूपा का क्या हाल हुआ। ये हमें फाइव क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से हमें नहीं टू करना है, थ्री की चॉइस है। तीसरा सवाल दिया हुआ है हमें, मंदरजा झेल में से किसी एक सबक का मरकजी ख्याल या खुलासा मुसन्निफ के हवाले के साथ तहरीर करें। पहला हमें दिया हुआ उम्मीद की खुशी, दूसरा दिया हुआ सियान नवाज शाइट में से हमें एक सबक का मरकजी ख्याल मुख्तसर तारुफ के साथ देना है। फिर हमें फोर्थ क्वेश्चन हमें ये दिया, मंदरजा झेल में से किसी एक नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल शायर के हवाले के साथ, इसमें भी ये हमें दो नज़म दिए हुए, सर राह शहादत, सेकंड है गर्मी की शिद्दत, ये नज़म है इसमें हमें खुलासा या मरकजी ख्याल देना है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मंदरजा झेल में से किसी दो शायरी असलाहत की तारीफ़ कीजिए। हमें पहले दिया तखलस मतला तशबिया काफिया, कि हमें चार दिन में इनमें से हमें एनी टू करनी है, या करके मंदरजा झेल में से किसी दो असनाफ़ अदाब की तारीफ कीजिए। पहली है सफ़रनामा नावल मरसिया गज़ल, इनमें से हमें दो करनी है या इनमें से हमें दो करनी है, सिर्फ दो करनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मंदरजा झेल में से किसी दो की तारीफ़ मिसालों के साथ तहरीर करें। पहला दिया हुआ जुमला इस्मिया, इसमें मुज़विर। थर्ड है मरकब नाकिस। फोर्थ है मुब्तदा और खबर, इनमें
चार में से हमें चार तारीफें देनी, उनमें से दो बढ़नी मिसालों के साथ, या मंदरजा ज़ैल में से साब के और लाई के अलग अलग कीजिए। पहला बदनसीब दागदार लाइला शुक्र गुजारा शुक्र गुजार ला, दो मिसालें करनी है या इन चार के साब के और लाई के अलग अलग करने। फिर हमें मंदरजा ज़ैल में से किसी चार अल्फाज मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल, इसके हमें जुमले बनाने। ये हमें दिए हुए 1 2 3 4 5 6 6 दिए हुए, इसके हमें चार यानी 4 के जुमले बनाने। पहले हमें दिया हुआ है कबाहत, सेकंड है जमे गफीर, थर्ड है सब बाग दिखाना, फोर्थ है हिकमत, पांचवा है नाम बेचना, एंड सिक्स है खुशनूदी। अब आते हैं हिस्सा जीम बयानिया सवालात की तरफ। तो पहले हम पहला सवाल दिया हुआ है बयानिया में सियाक व सबाक के हवाले के साथ मंदरजा ज़ैल इबारत की तशरी सलीम सलीस और बामुहावरा ज़बान में कीजिए। हमें इबारत दी हुई है, इसकी हमें तशरी करनी है, या सियाग व सबात सबाब के हवाले के साथ मंदरजा ज़ैल में से किसी दो जुमलों की तशरी कर, या हमें इबारत की तशरी करनी है या इन दो जुमलों की तशरी करनी है। एंड एट क्वेश्चन हमें दिया हुआ अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखें जिसमें इसे बताएं कि पाकिस्तान की तरक्की या खुशहाली कौमी इत्तेहाद में पोशीदा है, या किसी अखबार के मदीर के नाम एक मरासला लिखें लिखिए जिसमें पाकिस्तान में बिजली और गैस की कल्त के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए चंद तजावीज दीजिए। हम नाइन क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मंदरजा ज़ैल अशार की तशरी शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। ये हमें चार अशार दिए हुए हैं, इनमें से हमें यानी वन करना है। पहला अशार पढ़ लेते हैं, कांटों को मत निकाल चमन से आओ बाग बा, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। सेकंड दिया हुआ है, नागौर सिकंदर नायक कबर दारा मटे नामियों के निशान कैसे कैसे। थर्ड है, दिखाई दे यूं के बेखुद क्या हमें आपसे भी जुदा कर चले। फोर्थ अशारा में दिया हुआ है, आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा अदमियत ही नहीं। या ये नहीं आते तो आप या करके नज़म के अनवान और शायर के हवाले के साथ मंदरजा ज़ैल जुज की तशरीह कीजिए। जो करेगा इम्तियाज रंगो खां मिट जाएगा, तरके हर गाही हो या आराबी वाला गहर। नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकदम हो गई, उड़ गया दुनिया से तो मानिन खा के राह गुजर। इसमें हमें इसकी तशरी मतलब के अनुमान इसकी तशरी करनी है, या इस चार में से किसी वन की तशरी करनी है। हमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मंदरजा ज़ैल अनुमान में से किसी एक पर कम से कम दो सफ़ात पर मुश्तमिल मज़मून लिखना। हमें ये मज़मून में पहला है इंटरनेट के फ़वाद और नुकसान, सेकेंड है शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, थर्ड है सैलाब की तबाह कहानियाँ, या सर सैयद अहमद खान या मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में से किसी एक शख्सियत के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे बयान कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का व्यवहार आपका कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।